हाउ टू ऑप्टिक फाइबर केबल जॉइंटिंग। ऑप्टिक फाइबर केबल जॉइंटिंग कैसे करना है फ्रेंड्स, मैं अभी बताता हूँ। ये ऑप्टिक फाइबर केबल, ये 24 पेयर केबल है और इसमें 6 ट्यूब्स रहता है, ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन, ब्राउन और वाइट। ये 6 ट्यूब्स में, एक एक ट्यूब में 4 फाइबर्स रहते हैं। इस ट्यूब में 4 फाइबर्स रहते हैं, 4 फाइबर्स, ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन और वाइट रहता है, 4 फाइबर्स रहते हैं। और इसमें और अदर साइड भी सेम केबल है, इसमें भी 6 ट्यूब्स रहते हैं, 6 ट्यूब्स में 4 फाइबर्स रहते हैं। और मैं लास्ट ट्यूब और वाइट है, और लास्ट ट्यूब वाइट जो जॉइंट करने का जो तरीका बताता हूँ। और जॉइंट करने के पहले जो चीज़ है, क्या क्या टूल्स होना है, क्या क्या होना है, वो अभी बोलता हूँ। और फर्स्ट स्प्लाइसिंग मशीन होना चाहिए, फर्स्ट स्प्लाइसिंग मशीन है, ये स्विफ्ट कंपनी का स्प्लाइसिंग मशीन है। और सेकेंड ये क्लाइवर है, ये क्लाइवर, इसको कटर भी कहते हैं, ये केबल फाइबर का एक कटर है। और ये स्टिपर है, ये स्टिपर जो इसको जो फाइबर का जो ग्लैड निकालने का ये है, ये इसको स्टिपर कहते हैं। और इसके साथ साथ ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होना चाहिए, ये जो क्लीनिंग के लिए आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, जो क्लीनिंग क्लीनिंग लिक्विड है, ये आइसोप्रोपाइल टू है। और ये आइसोप्रोपाइल ये इसमें जो बॉटल में रखते हैं, और जो ये ब्रश करे तो ये आता है। और इसके साथ जो टिश्यू पेपर होना है, जो ये टिश्यू पेपर रखना चाहिए, ये टिश्यू पेपर का जो पीसेस जो कट करके रहते हैं, क्योंकि फाइबर क्लीन करने के लिए। और उसके साथ स्लीव्स है, ये हीट सिंक्स स्लीव्स है, ये हीट सिंक स्प्लाइस का जो स्लीव ऐसा रहता है, जो फाइबर जॉइंट होने के बाद में ये प्रोटेक्शन का है। अभी मैं जॉइंट करने का जो तरीका बताता हूँ, फर्स्ट और जो वाइट लेता हूँ, जो वाइट ट्यूब, अब ये वाइट ट्यूब में 4 फाइबर्स रहते हैं। और जो 4 फाइबर्स जो पहले जो क्लीन करता हूँ, जो क्लीन हो गया है, और इसमें जो बताता हूँ 4 फाइबर्स ऐसा ही रहता है, 4 ब्लू, ऑरेंज और ग्रीन, वाइट, ये 4 फाइबर्स रह गए हैं। और ये 4 फाइबर्स में फर्स्ट ब्लू लेता हूँ एक डायरेक्शन, फर्स्ट फाइबर ब्लू लिया हूँ। और ब्लू लेने के बाद मैं इसका ग्लैड निकालता हूँ, जो कलर रहता है पहले जो फाइबर का, जो ग्लैड, ये है ग्लैड आ गया है ऊपर का, जो फाइबर का ग्लैड आ गया है। आने के बाद मैं इसको जो क्लीन करना है, जो टिश्यू पेपर से प्रोपाइल अल्कोहल से क्लीन करता हूँ। और जो क्लीन करने के बाद मैं ये कटर है, ये और ये कटर, इसमें कटर में पोजीशंस रहता है 5, 8 और 12, 16 रहता है। और इसमें जो 12 रखना चाहिए, जो 12 है तो ये स्प्लाइस मशीन बराबर है, जो 12 में रखा हो और ये डाल लिया हो। और डायमंड कटर नीचे है और इसको प्रेस करना चाहिए, जो फाइबर कट हो गया है। और ये निकाल के जो स्प्लाइसिंग मशीन में अभी मैं रखता हूँ। और जो स्प्लाइसिंग मशीन में 2 विंडोज रहता है, और ये इलेक्ट्रोड्स है, इलेक्ट्रोड्स के बीच में ये कटा हुआ ये फाइबर रखना है, ऐसा ऐसा है, जो फाइबर रखना हो। और ये क्लोज कर दिया हो। और अदर डायरेक्शन जो डस्ट होता है, अदर डायरेक्शन का ये वाइट ट्यूब है, और वाइट ट्यूब में इसका ब्लू ब्लू यहाँ पे है, और इसका ब्लू है, और इसको स्क्रू लगा के रहे, स्क्रू चढ़ा के रखे हूँ। और ये इसका निकालता हूँ जो ब्लैक, और जो स्टिपर से ये इसका ग्लैड निकालता हूँ। जो ग्लैड आ गया है, ग्लैड आने के बाद में जो ये पेपर से क्लीन करना चाहिए, ये टिश्यू पेपर से, और ये अल्कोहल आइसोप्रोपाइल अल्कोहल लिया और उसे क्लीन करता हूँ इसी तरह। क्लीन हो गया, क्लीन होने के बाद में अभी ये कटर करता हूँ, ये फाइबर इसमें रखे हूँ और ये ऐसा डाल दिया हूँ, और नीचे का ये पोजिशन है, और ये और कट हो गया है फाइबर। ये फाइबर कट होने के बाद में और ये ब्लू इस तरफ मैं क्या हूँ क्लोज कर दिया हूँ। और
इधर स्टार्ट करना चाहिए। अभी अभी स्टार्ट हुआ है, और जो स्टार्ट होने के बाद में जो अलाइनिंग होता है, फर्स्ट जो अलाइनिंग होने के बाद पास मनाता है, पास होने के बाद में ये प्रेस करना चाहिए जो सेट बटन प्रेस किया है। अभी आर्किंग होता है अलाइनिंग के बाद में, आर्किंग, हाँ आर्किंग हो रहा, जो आर्किंग होने में जॉइंट हो गया है। और ये जेट में पॉइंट देखो 0.02 है, 0.02, 0.00 और 2, 3, 4, 5, 5 जो लास्ट है, जो 5 dB है ना, 5 dB नहीं रखना चाहिए, जो 5 dB में जो लास्ट ज़्यादा है। और 0.0 और 2, 1, 2 जो परफेक्ट है। अभी इसको निकालना है फाइबर, फाइबर निकालने के बाद में ये आर्क चेकिंग करता है। अभी ये कवर निकालने के बाद में, अरे ये अभी ये फाइबर निकालता हूँ, रिमूव दिस फाइबर, और उसको हीट करना है, फिर स्लीव हीट करना है। और ये स्लीव अभी जो फाइबर निकालता हूँ बाहर, जो फाइबर निकाल दिया हूँ, अभी इधर जॉइंट हो गया है। जो जॉइंट हुआ ऐसा जगह पर ये स्लीव इसे मिडिल में ऐसा स्लीव रखता हूँ। और जो हीट करना है, जो हीटर है ये स्प्लिसिंग मशीन का हीटर है, और हीटर मैं इधर रखा हूँ और इसको क्लोज कर दिया हूँ। और इधर हीटर का जो बटन है ये प्रेस करा हूँ, और जो हीट होने के बाद में ये LED लैंप ये चले जाता है। अभी ये हो गया ये, और नेक्स्ट लेता हूँ और एक, और इसमें ब्लू हो गया। अब ब्लू के बाद में जो ऑरेंज रहता है, हाँ अब जो सेकंड फाइबर जो ऑरेंज है, ऑरेंज ऑरेंज लेता हूँ, ये ऑरेंज ट्यूब है, ये ऑरेंज का भी ये ग्लैड निकाल रहा हूँ। ऊपर कलर रहता है ऑरेंज, और कलर के अंदर जो ग्लैड है वो ग्लैड आ गया। ग्लैड आने के बाद में जो टिश्यू पेपर लेके जो क्लीन करना है। अभी ये बटन चला गया, अभी ये हीटिंग हो गया, और ये सेकंड फाइबर ले रहा हूँ मैं, सेकंड फाइबर। अब ये क्लीनिंग हो गया, बाद में ये कटिंग कर रहा हूँ, ये टूल पे रखे ये कटिंग हो, कट हो गया है फाइबर। ये फाइबर कट होने के बाद में, और जो इलेक्ट्रोड्स में रखता हूँ, इलेक्ट्रोड्स के करीब में रखता हूँ ये फाइबर, ये क्लोज कर दिया हूँ। और अनदर डायरेक्शन है, और जो वेट का अनदर डायरेक्शन का और ये ऑरेंज है, इधर भी ऑरेंज रखना हो। और इसको स्लीव चढ़ाना है, ये स्लीव, ये स्लीव है, ये प्रोटेक्शन स्लीव है ये, और स्लीव आ गया। जब स्लीव आने के बाद में जो स्टिपर से ये कलर कोड का एक ग्लैड निकाल रहा हूँ, ग्लैड आ गया। आने के बाद में जो प्रोपाइल अल्कोहल से साफ करना है फाइबर, ये साफ हो जाने के बाद में कट करना है फाइबर। टूबल पे रखा हूँ, फाइबर कट हो गया। और जो अनदर साइड इलेक्ट्रोड्स में रखना है, करीब में है, करीब में रख दिया हूँ, और ये क्लोज कर दिया हूँ, और स्टार्ट कर रहा हूँ। ये स्टार्ट करने के बाद में जो डिस्प्ले में पहले अलाइनिंग चेकिंग होता है, एक डायरेक्शन और एक डायरेक्शन, और कटिंग भी बताता है इधर, जो कटिंग भी आता है डिस्प्ले में, और एक्स और वाई, एक्स वाई और पास वन है। अभी मैं सेट प्रेस कर रहा हूँ, सेट प्रेस कर रहा हूँ, अलाइनिंग आने के बाद में इधर ये 2 है और 4 है, यानी स्प्लाइस परफेक्ट स्प्लाइस होता है। 0.00 इस परफेक्ट है स्प्लाइस। अब इसको क्या करना है, अब ये पहले तो ये हीटिंग हो गया है, ये ब्लू फर्स्ट का फाइबर और ये सेकंड फाइबर। अभी भी इसको हीटिंग में रखना है, हीटिंग में रखना है, तो ये इसको निकालना चाहिए। अब ये फाइबर तो स्प्लाइस हो गया, स्प्लाइस होने के बाद में इसको मिडिल में रखना है इसलिए, और इसको हीट करना है, ये हीटर में रखना है, और ये क्लोज कर रहा हूँ, और ये बटन प्रेस कर दे रहा हूँ, सेकेंड हो गया है। और इसी तरह ये फाइबर मैं 3 में लेता हूँ, ब्लू ऑरेंज हो गया, और ग्रीन लेना है, ग्रीन,
1 मिनट। ये ग्रीन आ गया एक तरफ, ग्रीन आने के बाद में इसको स्लीव डालना है, प्रोटेक्शन स्लीव है ये, और ये स्लीव चढ़ाना है इसमें। जो हीटर होने के बाद में जो साउंड आता है और लैंप भी चले गया है और वो हीटिंग हो गया है, हीट होने के बाद में इसको निकालना चाहिए। ये ऐसा हो गया है हीटिंग, ऐसा परफेक्ट हो गया है। अब इसको ऐसा ये ट्रे में रखना है, और ये थर्ड जग 3 माह है ये ग्रीन, और इसको ग्लैड निकालना है, जो कलर ग्रीन ग्रीन कलर कर रहता है ऊपर, जो स्टिपर से ग्लैड ग्लैड निकाल रहा हूँ फाइबर को ऊपर का, और इसको क्लीन करना है प्रोपाइल अल्कोहल से, क्लीन कर रहा हूँ इस तरह। ये क्लीन हो गया, क्लोज कर दिया, और जो कटिंग हो गया, कटिंग होने के बाद में फिर इसको इलेक्ट्रोड्स में स्प्लाइस में रख रहा हूँ, स्प्लाइस मशीन है ये, राइट साइड का है और अनदर साइड है, अनदर साइड ग्रीन, अदर साइड ग्रीन, इधर है ग्रीन, इधर है, इसका ग्लैड निकालना है। ग्लैड आ गया, और उसको क्लीन करना है जो टिश्यू पेपर से, प्रोपाइल अल्कोहल से क्लीन कर रहा हूँ। क्लीन होने के बाद में जो कटर में रख दिया, और इसको ऐसा कर दिया, और ये प्रेस कर दिया, जो कटिंग हो गया, ये कट हो गया ऐसा, इस तरफ रखना है इलेक्ट्रोड्स में, ये था। अब इसको क्लोज कर रहा हूँ, और इधर स्टार्ट कर रहा हूँ सेट बटन। अब इधर ही अलाइनिंग हो रहा, पहले फर्स्ट अलाइनिंग होता, और अलाइनिंग के बाद में पास होता, और बाद में पास के बाद में ये प्रेस करना चाहिए, जो आर्किंग होता है, जो आर्किंग आर्किंग और बाद में 0.01 0.01 से परफेक्ट हो गया है जॉइंट, और इसको निकालना पड़ता है जॉइंट। जो कवर कवर जो ओपन किया तो इधर कंप्लीट आने के बाद में टेंसिल टेस्ट होता है, टेंसिल टेस्ट यानी जो फाइबर जो खींच के जो वो मशीन में वो ऑटोमेटिक से जो टेंसिल टेस्ट करता है, जो फाइबर जो स्प्लाइस हुआ है या नहीं, और फाइबर में जो टेंशन है नहीं, ऐसा बोल के अगर टेंसिल टेस्ट में जो वो जो फाट रहा है तो वो फाइबर ब्रेक हो जाता है, और टेंसिल टेस्ट जो कंप्लीट हो गया है, कंप्लीट होने से जॉइंट परफेक्ट है। और ये जॉइंट हो गया ऐसा, इस तरफ मिडिल में जो स्लीव ला रहा हूँ, अभी ये जॉइंट हीटिंग करना है, जो हीटर में रखता हूँ इधर हीटर, और हीटर को क्लोज कर दिया हूँ, और इधर बटन प्रेस कर रहा हूँ। अब प्रेस करने के बाद में वो हीट हो रहा है, और लास्ट फाइबर है 24 का है, ये लास्ट में कौन सा है, वाइट होता है लास्ट में, इसमें वाइट ट्यूब में वाइट होता है लास्ट 24, ये इधर है 24 का, ये लास्ट वाइट है, और ये वाइट ऊपर का ग्लैड निकाल रहा हूँ जो स्टिपर से, ग्लैड निकाल दिया, और ये क्लीन करना है, जो प्रोपाइल अल्कोहल लिया हूँ और ये इससे क्लीन कर रहा हूँ। क्लीन होने के बाद में कटर करना है, जो कट करना है, ये पोजीशन 12 पोजीशन पर रखा हूँ, और ये क्लोज कर रहा हूँ, और ये इस तरह जो कट हो गया है, कट होने के बाद में वन डायरेक्शन इलेक्ट्रोड्स में रखना है, क्लोज कर दिया, और अदर डायरेक्शन वाइट, इधर है वाइट, अदर डायरेक्शन लिया हूँ, और इसको स्लीव डालना है, ये प्रोटेक्शन स्लीव है, ये स्लीव चढ़ाना है, ये स्लीव डाल दिया, और स्लीव डालने के बाद में इसका ग्लैड निकालना होगा,
ग्लैड निकल दिया। अब इधर हीटर भी हो गया, जो साउंड आया, साउंड आने के बाद में वो लैंप भी चले गया, यानी वो हीटिंग हो गया। ये इसको निकाल देंगे अब, जो निकालने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। ओके, निकाल दिया। और ये इसको क्लीनिंग करना है, जो लास्ट 24 फाइबर है ये। होने के बाद में इसको कटिंग करना है। ये कटिंग कैसा करना है ये देखो, ये 5, 8, 12, 16 है, जो 16 में पिक्टल्स रखते हैं और जो 12 में भी फाइबर रखते हैं, जो डिस्टेंस रहता है उसमें, और 8 है और 5 है, और इसमें इधर ग्लैड है, ग्लैड के तरफ यहाँ से है फाइबर, इधर ग्लैड से रिमूव हुआ है। अब ये जगह से मैं 12 पे रखता हूँ, देखो इधर 12 पे रखता हूँ, और 12 पे रखा हूँ, और इसको ये कवर डाल दिया हूँ। और ये डायमंड कटर है नीचे, वो जो कट करने का ब्लेड है, ये ब्लेड को जो ऐसा आगे करता हूँ सामने, और इसको विंडो ऊपर कर देता हूँ, क्लोज हो गया। अब क्या करना है, इसको ये करता हूँ, पुश करता हूँ, वो पुश करने से वो क्या होता है, वो फाइबर कट हो जाता है। ये हो गया, ये देखो फाइबर कट हो गया, फाइबर कट हो गया। और ये अब इधर ये फाइबर कटा हुआ फाइबर इधर साइड में कुछ कहाँ भी नहीं लगना चाहिए, हाथ भी नहीं लगना, टच भी नहीं होना है वो फाइबर। अगर वो टच हो गया तो जो फिर क्लीन करना पड़ेगा, इसलिए वो किधर भी टच नहीं हुए सर का, जो करेक्ट पोजीशन से ऊपर निकालना है ऐसा ही सेम, ये किधर भी नहीं टच होना है वो कटा हुआ वो फाइबर। अब ये क्या करना है, इसको सेम अब इलेक्ट्रोड्स के करीब में रखना है ऐसा, जब स्प्लाइस परफेक्ट स्प्लाइस आता है ऐसा ऐसा रख दिया है, और विंडो क्लोज कर दिया, और सेट बटन प्रेस कर रहा हूँ। और इधर डिस्प्ले में देखो अलाइनिंग आता है, फर्स्ट अलाइनिंग में जो फाइबर जो पोजीशन रख लेता है, और जो पास मन बताता है अब ये प्रेस करना चाहिए, और जो प्रेस कर रहा हूँ, प्रेस करने के बाद में जो अलाइनिंग आता है, अलाइनिंग आने के बाद में आर्किंग आता है, तो आर्किंग आर्किंग में से वो जॉइंट ले रहा, वो 03 आ गया है, 03 यानी और 4, 5 तक होना चाहिए, मगर 3 में भी थोड़ा लॉस है, मगर 3 में भी फाइबर तो स्प्लाइस तो परफेक्ट है। अभी इसका ऐसा इधर देखे तो मालूम होगा, जो कुछ बबल वैसा जो जॉइंट में जो बबल वैसा दिखाई दिया तो वो जो डिफेक्ट है समझना, मगर इधर बबल किधर भी नहीं है। मगर ये मैं मोबाइल फ़ोन से मैं ये वीडियो ऐसा निकाल के बताता हूँ, जो फ्लैश का वो लाइट दिस रहा है इधर, मगर ये 3 आने से और कुछ फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, मगर निकाल के फिर भी करना तो बहुत अच्छा है, फिर भी करेंगे और एक टाइम, और एक बार करेंगे। और एक बार ये फाइबर कट कर दिया हूँ, और कट करके दोबारा कर रहा हूँ मैं ये फाइबर 24 का, जो 3 आया, अब ऊपर का ग्लैड निकाल रहा हूँ, जो 5 तक रख सकते हैं आप, 0.05 तक रख सकते हैं, 0.05 तक रख सकते हैं, मगर ये परफेक्ट जॉइंट है, ये 0, 0, 1 और 2 परफेक्ट है, और जो 3 भी रख सकते हैं, मगर इमरजेंसी में कुछ जगह रख सकते हैं, मगर जो 5 रख में कुछ प्रॉब्लम होता है, यानी जो मोबाइल फ़ोन में जो कनेक्टिंग होने के बाद में जो वॉइस डिस्टर्बेंस होता है मोबाइल में, इस तरह जो क्लैरिटी नहीं रहता है, जो 0, 0, 1, 2, 3 ये क्लैरिटी अच्छा रहता है। अभी मैं ये कटिंग कर रहा हूँ, मैं ये कटर में रखे ऐसा डाल दूँ, और कट हो गया फाइबर, और वन साइड इलेक्ट्रोड में रख रहा हूँ। ये BSNL का है, ये क्लैरिटी तो बहुत अच्छा रहना है, ये इसमें जो ये डेटा का भी चलता है कनेक्शन, और जो मोबाइल का भी रहता है, इसलिए इसका जॉइंट और ये सब परफेक्ट रहना है। और डिश कनेक्शन का, और दूसरा ये 5, 6, 7, 6 भी रख सकते हैं वो लोग, वो जो डिश का वो उसका टेक्नोलॉजी वो अलग है, और ये हमारा BSNL का, ये ऑप्टिक फाइबर का जो उसके ऊपर पूरा पूरा मीडिया चलता है ये, इसलिए ये ऑप्टिक फाइबर जॉइंटिंग परफेक्ट रहना है। हम क्लीन कर दिया फाइबर, और जो ये कटिंग में रख रहा हूँ, और ये कटिंग हो गया, और अनदर साइड रखता हूँ। क्लोज कर दिया, अब इधर स्टार्ट कर रहा हूँ बर्नर, अब ये इसका
आर्किंग में चल रहा, आर्किंग होने के बाद में ये पास आया। अब जो स्टार्ट करना है अभी इधर बताता है जो जेंटिंग देखो, और टू और फोर में है कटिंग, कटिंग ये 0.2 और 0.4 में है, यानी शायद जो परफेक्ट आएगा देखो 0.1 आया है, पहले 0.03 आया था, अब 0.01 है, यानी जॉइंट स्पेस परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट है। और इसको निकाल के हीटिंग करना है, अभी हीटिंग में बताता हूँ, हीटिंग हीटिंग में रखना है। और जो ये स्लीव निकाल लिया, और जो फाइबर को आहिस्ता आहिस्ता स्लीव को इस तरफ करीब में करके ये क्लोज कर देंगे, और जो जॉइंटिंग का तो काम हो गया। अब ये हीटिंग का है, जो ही स्प्लाइस हुआ सा जगह में मिडिल में स्लीव रख दिया हूँ, प्रोटेक्शन स्लीव, और ये हीटर में रखे हूँ, और ये विंडो क्लोज करे हूँ, और इधर स्टार्ट करे हूँ। और अब ये तो जॉइंटिंग का हो गया पूरा, अब जरा अब हीटिंग हो रहा है, हीटिंग होने के बाद में अब क्या हुआ है, अब ये पूरा ये 24 का है, ये 24 फाइबर्स का है, ये 24 फाइबर्स में इसमें पूरा 1 to 12 एक ट्रे में रख दिया है, इधर 1 to 12 कर दिया है इसमें, और 13 से 24 इस ट्रे में आते हैं, और जो 1 to 12 जो है ऐसा फैनिंग ऐसा डालना है पूरा ऐसा, और जो किधर भी जो ज़्यादा प्रेस नहीं रहना है, हाँ जो ऐसा मोमेंट कायल जो फ्री रहना है, जो 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 टेंशन है तो जो जो लास्ट ज़्यादा होता है, जो कायल ऐसा फ्री होना है, हाँ इसका काम हो गया। और ये 12 हो गया, अब 13 से 24 तक अभी इधर स्प्लाइस हो गया, अब इधर भी ये देखो अभी ये हीट देखो, हीटिंग तो हो गया ऐसा ऐसा हीट हो गया, ये प्रोडक्शन स्लू हीट हो गया, और इसको ऐसा बाजू को रख दे रहा हूँ और क्लोज कर दिया हूँ। और जो मिशन का काम तो कंप्लीट हो गया, और स्पेसिंग मिशन टोटली ऑफ कर दिया हूँ। ऑफ करने के बाद में अब क्या करना है, अब ये ऊपर के ट्रे में डालना है इसको, ऊपर के ट्रे में ऐसा ऊपर के ट्रे में मैं अब ये कंप्यूटेबल फाइबर्स इधर फैनिंग कर रहा हूँ, ऐसा ये हो गया। हाँ जरा टाइस दो भाई टाइस, अब ये इस डालने के बाद में जो टाइस था इसको ऐसा इधर टाई डालना चाहिए इधर ऐसा इधर इधर एक हो गया टाई, और एक टाई दो भाई टाई और एक टाई ऐसा, अरे इधर एक ट्रे डाल दिया हूँ। अब फैनिंग करना है, अब इसको अब ये 12 फाइबर्स यानी 13 to 24 है, 12 नीचे आ गया और 13 से इधर आ गया, अब इधर को अब इसको थोड़ा ऐसा किट को जरा ऊपर करके जरा इनकन्वेंट है ये शायद ये व्हीकल जरा छोटी व्हीकल है ये ये ऐसा फैनिंग करना है इसको ये पूरा ये देखो ऐसा ये नज़दीक में ला के ये मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये फैनिंग, ये बराबर नहीं डाले तो जो लास्ट आता है जो लास्ट आता है इसलिए ये करेक्ट डालना है। और किधर भी लग गया तो फाइबर अगर ब्रेक हो जाता है, ब्रेक हो गया तो फिर काम तो फिर दोबारा काम करना पड़ेगा, फिर मिशन ऑन करके फिर सब दोबारा काम करना पड़ेगा, ये बहुत देख के करना पड़ेगा ये काम, बहुत सेंसिटिव है ये वर्क। अब ये पूरा ऐसा ऐसे ले लिया हूँ, और ये फाइबर पर किधर भी वजन वैसा ऐसा ये नहीं होना है, सब फ्री रहना है पूरा। अब ये देखो ये पूरा 30 से 24 फाइबर आ गया। अब इसको फैनिंग करता हूँ, इसको फैनिंग मतलब ये किट में बिठाना है इसको अच्छा नीट से, भी देखो ऐसा बिठाता हूँ इसको, ऐसा आने के बाद में इसको ऐसा ये ऐसा है फैनिंग करना है इसको, ये पूरा ऐसा आ गया, थोड़ा एडजस्ट करना है देखो, अभी देखो कितना नीट से आ गया खैर ऐसा। ये आने के बाद में इसको क्या करना है,
अब इधर एक एक स्लीव रखने का इधर दिया है, या ट्रिगर पर देखो ऐसा स्लीव रखने का है। अब इधर से पूरा 20 ऐसा। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, एक एक स्लीव निकाल के इसमें रखता हूँ, देखो एक एक के ऊपर दो दो स्लीव रखता हूँ, जो नीट से आता है और जो उसके ऊपर वजन नहीं पड़ता। और जो देखो ऐसा ऐसा ओके पूरा बैठ गया है स्लीव से। हाँ, और ये केबल इस तरफ एडजस्ट कर लेना है, और ये ट्रे में, पूरा ट्रे में आ जाना चाहिए ये पूरा, जो ये कुछ बाहर नहीं रहना है। हाँ ये देखो आ गया यहाँ से। हाँ देखो फ्रेंड्स ये कैसा है, देखो कायल हाँ एकदम एक तरफ का, एक डायरेक्शन का आ गया है, और जो सेकंड डायरेक्शन का भी मैं लेता हूँ अभी। हाँ ऐसा ये ऊपर नहीं आना चाहिए ये। हाँ देखो ऐसा आ गया। आने के बाद में क्या करना है, अभी ये सेकंड डायरेक्शन का ये भी लेना चाहिए, इस तरफ ऐसा अपोजिट में लेना है, और इसको भी इसी तरह ऐसा फैनिंग करना होगा, ऐसा ऐसा इधर देखो ऐसा फैनिंग कर रहा हूँ मैं ऐसा। ये 24 फाइबर का है ये जॉइंट, एक साइड हाँ ये आ गया है। अब थोड़ा बचा हुआ है इधर, इसको बचा हो तो भी इधर एडजस्ट कर सकते हैं, या नहीं तो इधर भी इसको ऐसा राउंड रिंग भी डाल सकते हैं, ऐसा राउंड छोटा रिंग ऐसा। गया ये फ्री आ गया। हाँ देखो फ्रेंड्स ये कैसा है, ये कायल आ गया पूरा ऐसा। हाँ हाँ भाई जरा टेप दो, जरा टेप कट कर कर दो। अब ये ऐसा हो गया ये। इसका काम तो पूरा हो गया, देखो एकदम फ्री हो गया कायल। हाँ अब स्लीव भी इधर डाल दिया। अब इसको क्या करना है, जो स्लीव सू हिलने सर का, इसको ऊपर एक ऐसा टेप डाल डालना है, इंसुलेशन टेप ऐसा ऐसा टेप डाल दिया। हाँ और देखो अब टेप डाल दिया हूँ, और इधर भी छोटा जरा ऐसा ऐसा टेप दिया तो अच्छा रहता है। और इसको ये टेप तो शायद बड़ा है, और इसको जरा ऐसा कट कर देता हूँ। और ये टेप ऐसा डालना है जो फाइबर ऊपर नहीं आए सर का, और इधर भी देखो फ्रेंड्स ये हो गया ये पूरा। इससे ये 1 to 12 इधर आ गया, और 13 to 24 फाइबर इधर आ गया। अब आने के बाद में इसको क्या करना है, इधर भी एक छोटा एक टेप दो, इधर टेप छोटा टेप, ये फाइबर बाहर नहीं है सर का। ओके हो गया। अब इसके ऊपर जो ट्रे ट्रे रख देना है, या ऐसा ट्रे रहता है जो किट के साथ आता है, ये ट्रे रख देने के बाद में इसका बेल्ट रहता है, और इसका बेल्ट रख देना है। ये बेल्ट है ये, और बेल्ट इस तरह डाल देना है इसको। अच्छा ये टाइट ये इस तरह से ये हो गए, और ये स्लीव जरा ये मैं कट कर देता हूँ, इधर हो गए ये जॉइंट। 24 में केबल का जॉइंट हो गया है। अब एक साइड
इधर से द्रोणाचलम समझो, इसे द्रोणाचलम और बैंगलोर होता है और जिस तरफ हैदराबाद होता है, ये डायरेक्शन का है, दो डायरेक्शन का है, दो डायरेक्शन का केबल जॉइंट हो गया है। ओके ओके फ्रॉम बी शेफी ओला ओ एफ सी प्राइजेट फ्रॉम करनौल। चलो भाई दूसरा जॉइंट देखेंगे और एक।